नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज माता माधुरी देवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खगड़िया में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। राजमाता माधुरी देवी टीचर कॉलोनी कॉलेज में 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसे धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह इस अवसर पर खगड़िया जिले के आवास बोर्ड स्थल पर सैकड़ों की तादाद में उपस्थित छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही बहुत सारे शिक्षक गणों के साथ साथ नन्हे मुन्ने देश के भविष्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे। डॉक्टर विवेकानंद ने इस अवसर पर देशवासियों को संबोधित तो किया ही, साथ ही साथ बच्चों को भी संबोधित किया, साथ ही कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी संबोधित किया और संदेश दिया कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और ये भविष्य देश और दुनिया में अपना परचम लहराएंगे। इस मौके पर उपस्थित श्रीमती डॉक्टर रानी, जो कि संस्था की सर्वे सर्वा होते हुए भी हमेशा अपनी सामाजिक एवं बच्चों के प्रति जिम्मेदारी को नहीं भूलती हैं, उनकी नज़र में इस स्कूल की विद्यालय की छात्र छात्राएं उनका भविष्य बनाना उनका सपना है। प्रस्तुत इस संबंध में उपस्थित लोगों की वीडियो के जरिए देश दुनिया को बताए जाने वाला यह संदेश। आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य प्रेरणा पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे वीर सपूत देश में बलिदान देके हमें आज़ादी दिलाई और हमें गणतंत्र दिवस जैसे संविधान लागू करवाए, उसी के प्रेरणा पाकर हम अपने देश के लिए और कुछ आगे करें। और मेरा ये रहेगा कि सभी लोग अपने बलिदानों से सीख लेके आगे हम अपने देश की सेवा में सेवा करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। तो आपने सुना डॉक्टर दंपति इन्होंने साफ बताया कि हम चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, जहाँ तक हो सकेगा हम अपनी सेवा से पीछे नहीं रखेंगे। उनका उद्देश्य है इन सारे बच्चों का भविष्य और ये पूरी दुनिया में इसको फैलाए, आगे बढ़े, उनकी साफ मनसा है। इस तरह का कार्यक्रम अपने आप में देश के प्रति प्रेरणा का देने का काम करता है, उनके समर्पण का दिखाता है। निश्चित रूप से इस कॉलेज के चैनल की ओर से भी शुभकामनाएं। संवाददाता गुप्ता मंजूर बेगूसराय से फिलहाल खगड़िया। सब बच्चा के साथ लेना, बच्चा के साथ लेना, बच्चा लगाइए, बच्चा टीवी चैनल। यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।